कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो लगातार यात्रा जारी है और पदयात्रा के जरिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के उत्तर जो निगम है उसके तमाम वार्डों में पहुंच रहे हैं। घर घर पर वो दस्तक दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं। आम जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं और बजट घोषित किए जाने के बाद, बजट की घोषणा के बाद जो उत्साह नजर आ रहा है आम जन में, वो देखते ही बन रहा है क्योंकि बड़ी घोषणाएं बजट में की गई है और उसके बाद जो क्षेत्रवासी हैं उनमें भी उत्साह है। ये कोटा उत्तर का वार्ड नंबर 68 है, बालिता ये क्षेत्र है और मंत्री शांति धारीवाल को आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लगातार वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कोई काम हो, किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो वो बताएं और मौके पर ही कई जो छोटे मोटे काम है उनके लिए निर्देश भी दे रहे हैं। अमित धारीवाल भी साथ में है क्योंकि लगातार अमित धारीवाल कोटा उत्तर क्षेत्र की जो जनता है उनके संपर्क में है, लगातार क्षेत्रवासियों के बीच पहुँचते हैं। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है, क्योंकि बजट हाल ही में पेश हुआ है और बजट के बाद जो जनता है उसमें भी उत्साह गजब का देखा जा रहा है। जिस तरह से चिरंजीवी योजना को 25 लाख तक का दायरा कर दिया गया है और जो इस तरह के कई सारे राहत वाले काम सरकार कर रही है, तो ऐसे में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अब उन आम जनता के बीच पहुँच रहे हैं जो सीधे सीधे जिनको योजनाओं का फायदा मिलता है और योजनाओं का फायदे का दायरा जो बढ़ाया गया है उसके बाद क्षेत्रवासियों में, कोटावासियों में भी गजब का उत्साह है। बिजली की जो यूनिट है वो 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं के जो कई सारी योजना है जिसमें महिलाओं को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, सरकार शिक्षा से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं उस पर जो काम कर रही है, बजट जिस तरह का आया है उसके बाद जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और क्योंकि मंत्री धारीवाल सीधे जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से वो पूछ रहे हैं कि जो बजट आया है वो किस तरह का है, तो जनता का जो रिएक्शन है वो भी ज़बरदस्त आ रहा है। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूं कि क्योंकि अब सीधे जनता के अब बजट जो आया है उसके बाद लोगों में उत्साह गजब का देखा जा रहा है। सरकार ने जो पहल की है बजट में, हर चीज़ लोगों को लाभ पहुँचा रही है। ऐसा शानदार बजट इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं दिया होगा जो माननीय अशोक गहलोत जी ने दिया है। हर चीज, हर पॉइंट ऐसा बना है, हर बिंदु से सीधा सीधा लाभ जो है वो गरीबों को, मध्यम वर्ग को पहुंच रहा है, सीधा का सीधा लाभ पहुंच रहा है। तो इसलिए लोग बहुत खुश हैं। बजट के लिए खुद ही बोलते हैं कि बजट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बजट बहुत बढ़िया है। आप तो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, अब कैसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं लोगों को? जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जब से 2018 से आई है और जिस तरीके से अशोक गहलोत साहब ने चिकित्सा और शिक्षा और आम अंतिम छोर के आदमियों के लिए जो जितना बढ़िया बजट दिया है, और पिछले 3-4 साल से जो बजट पेश हो रहा है उसके अंदर आर्थिक रूप से कमजोर आदमियों को बहुत फायदा मिल रहा है, चाहे बिजली हो, चाहे नल हो, चाहे रोड से नालियों से, मतलब कोई सा भी ऐसा विकास का कार्य नहीं है जो कहना ये कांग्रेस की सरकार नहीं करा रही है। और इस बजट को देख के तो लोग बागों के छातियां फूल गई हैं, इतनी संतुष्टि है लोग बागों के अंदर। और कह ही रहे हैं कि जो काम कांग्रेस सरकार करती है, जो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत की सरकार के अंदर जो काम होता है वो किसी सरकार के अंदर नहीं होता। तो जो बजट है वो जनता को समर्पित है और जो राहत और जो दायरा बढ़ाया गया है सुविधाओं का, उसको लेकर के जो फीडबैक जनता का आ रहा है और सीधे क्योंकि मंत्री शांति धारीवाल जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनका रिएक्शंस ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा की भले बात हो, इसके अलावा जो है चिकित्सा सेवा की बात हो, तमाम बिंदुओं पर जो बजट है उस पर रिएक्शन जो है आम जन का वो देखने को मिल रहा है। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, उनसे जो है पूरा हालचाल जान रहे हैं, कोई परेशानी हो तो उसके लिए भी वो पूछ रहे हैं और अगर कहीं कोई छोटी मोटी समस्याएं नजर आ रही है तो उसके निस्तारण का आश्वासन भी दिया जा रहा है। सहयोगी हेमंत के साथ शाकिर अली। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।